इंडिया खबर लाइव में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक विशेष इशू पर चर्चा करने वाले हैं। जी हां, महिलाओं से जुड़ी हुई ये समस्या है और आज के समय में अनियमित माहवारी महिलाओं में बहुतायत में देखने में आ रही है और इससे संबंधित जो बीमारियां हैं उनसे कहीं ना कहीं एक महिलाओं का बहुत बड़ा वर्ग ग्रसित है और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे बालों का झड़ना, वजन का बढ़ना, चिड़चिड़ापन होना या विवाह के उपरांत बच्चों का ना होना एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने देखने को मिल रही है। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में है डॉक्टर उमा मंगल जो कि आयुर्वेदाचार्य भी हैं और स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। आइए आज इनसे हम बात करते हैं और इन समस्याओं के निदान को जानने की कोशिश करते हैं। बहुत ही एक विशेष इशू पर चर्चा करने के लिए आपके साथ यहाँ पर उपस्थित हैं और ये है कि वर्तमान समय में महिलाओं में जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है इसके लिए कौन कौन सी बातें जिम्मेदार हैं? इसके लिए अपन कह सकते हैं सबसे ज़्यादा तो पॉलीसिस्टिक डिसीज आ रही है, अनियमितता का महावारी का होना, उबरी में गठान होना जिसे पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम भी कहते हैं, उसी से ये सारे लक्षण अपने को सामने आते हैं। तो मैडम, मेरा प्रश्न ये है कि इस बीमारी को कैसे पहचाना जाए, एक आम महिला या एक आम लड़की जो है इस बीमारी को कैसे पहचान सकती है, इसके क्या लक्षण होते हैं? इसके सबसे बड़े लक्षण हैं एक तो माहवारी का अनियमितता होना, समय पर माहवारी नहीं आना, माहवारी चढ़ जाना, एक महीने, दो महीने, तीन महीने चढ़ जाती है, इरेगुलर रहती है, कभी कम आता है, कभी ज़्यादा आता है, एक वजन का बढ़ना होता है, बालों का झड़ना है, ये सिम्टम बहुत बड़े हैं, चिड़चिड़ापन और एक सबसे बड़ा स्ट्रेस होना, आज का कॉमन हो गया है कि तनाव बहुत ज़्यादा होने से ये बीमारी उत्पन्न होती है जी। तो ऐसा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ ऐसे उपाय बता सकते हैं कि ये बीमारी को होने से पहले से ही मतलब उसकी रोकथाम की जा सके? के रोकथाम के हैं एक तो महावारी को समय पर लाना और एक उनको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना है, लाइफस्टाइल सबसे बड़ा अपना मुद्दा है और तनाव कम करें, स्ट्रेस को कम करें। लाइफस्टाइल है जैसे सुबह से जाना बिल्कुल स्ट्रेस, टाइट ड्रेसेस पहनना, खान पीन पे थोड़ा सा ध्यान देना, स्ट्रेस फ्री होना, ये सबसे बड़े सिम्टम है, इन्हीं से इस बीमारी में लाभ मिलता है। आयुर्वेद में अपन क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा चाहते हैं और ये सबसे अपनी प्राकृतिक चिकित्सा है जो अपन मैन्युअली घर में कर सकते हैं, तनाव मुक्त रहें, तनाव ज़्यादा रखने से बीमारी बढ़ेगी घटना नहीं है। और एक थोड़ा लाइफस्टाइल में समय पर उठना, टाइम से जो लेट आवर्स में रात तक जागना कि 12 दो दो बजे तक जागना, सुबह लेट आवर्स उठना, ये सबसे ज़्यादा अनियमितता है इस बीमारी की। ये आज के समय में ये तो समझा जा सकता है कि सभी की लाइफ बहुत ही तनावग्रस्त है, हम सभी लोग हरी भरी करी में रहते हैं, मतलब हर चीज़ को हड़बड़ाहट में करना, चिंताग्रस्त रहना और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है हमारे स्वास्थ्य पर असर डालती हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये कैसे संभव है कि हम तनाव ना लें, ये कैसे संभव है कि हम खुश रहें, इसके लिए आप क्या लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे? सजेस्ट यही करेंगे जब उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी तो वो तनाव मुक्त रहेंगे। थोड़ा सा काम तो है ही सभी के लिए, गर्ल्स हों वुमेंस हों, काम का लोड रहता है लेकिन उसको खुश होके करें, काम को काम समझ के करेंगी और उसको बोझा समझ के करेंगी तो वो स्ट्रेस हो जाता है। और ये एक बीमारी ऐसी है कि सबसे बड़ा इसका कारण माहवारी की अनियमितता है और अनियमितता जब ही होती है लाइफस्टाइल को अपन रेगुलर रखेंगे तो माहवारी अपना समय पर आएगा, समय पर आए तो ये डिसीज बनेगी नहीं अपने को, ओवरी में कोई सिस्ट नहीं बनेगी, ये है इसका मेन कारण। क्या इस बीमारी में वेशभूषा जो हमारी पोशाक होती है या जो हमारा पहनावा इसका भी कोई रोल रहता है?
बिल्कुल रहता है। इसका जो गर्ल्स आजकल टाइट जीन्स पहनती हैं, सुबह से जाएंगी कोचिंग वगैरह है, स्कूल वगैरह है, टाइट जीन्स, टाइट टी शर्ट वगैरह लेट नाइट तक पहने रहती हैं वो। ऐसी वुमेंस हैं, साड़ी है, सूट्स हैं, काफ़ी टाइट टाइट पहनती हैं। ये उनका ड्रेस का काफ़ी इसमें रोल रहता है। और एक थोड़ा खान पीन का भी रहता है, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाए जाते हैं, थोड़ा सा इस पर भी वो ध्यान दें, अपने नॉर्मल फूड लें घर के बने हुए मेनुअली। और वैसे तो आजकल कोरोना चल रहा है, आजकल सभी लोग घर का ही ले रहे हैं तो जंक फूड भी कम हो गए हैं, घर पर ही सभी महिलाएं बना रही हैं, होममेड दे रही हैं, तो अब काफ़ी चेंज भी हुआ है बहुत कुछ। तो कहीं ना कहीं आप हमारे दर्शकों को ये कहना चाहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर जो है वो हमारे लिए हितकर नहीं है, और हमें अपने सांस्कृतिक मूल्यों की तरह मुड़ना होगा। हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वह हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है और हमारे जीवन के लिए हितकर है। बात चल रही है महिलाओं से संबंधित जो बीमारी होती है PCOD, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं ओवरी में गठान का हो जाना, इसके ट्रीटमेंट के लिए आप हमारे दर्शकों को अपनी क्या राय देना चाहेंगे? ओवरी में गठान होना का ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा है, अपन आयुर्वेद से इसका ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद में मेरा ट्रीटमेंट इसका 3 मंथ का रहता है। 3 मंथ में ये क्यूरेबल हो जाती है, ना कोई अपने को सर्जरी करनी पड़ती है, ना कोई ऐसा अदर कोई ऑर्गन है। और ये गठान मरीज क्या समझता है, महिला समझती नहीं है, कई गांव की होती हैं, देहाती होती हैं, अरे डॉक्टर ने कह दिया एलोपैथी वाले इसका ऑपरेशन होगा, तो बेचारी वो डर के कारण ऑपरेशन करा लेती हैं। लेकिन इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ओवरी में स्पर्म ओवा का ओवुलेशन नहीं होगा तो अपना इसमें बच्चा नहीं बनेगा। और बच्चा जब भी बनता है ओवुलेशन, और ओवुलेशन होता है अपना ओवरी में। जब ओवरी ही अपनी इस गठान से भरी हुई होगी तो ओवुलेशन नहीं हो पाएगा, ओवुलेशन के बाद ही बच्चा अपना यूटरस में आता है। तो सबसे पहले अपने को इस गठान को ख़त्म करना होगा, और इसका ट्रीटमेंट अपन, मैंने बताया आपको, कुछ तो अपने को खान पीन है, लाइफ स्टाइल है, और कुछ मेडिसिनल जो ट्रीटमेंट है वो अपन देते हैं इसमें, कांचना गूगल देते हैं जिसमें 750 mg की टैबलेट है, 1 VD देते हैं, और सिरप बेस में देते हैं, कांचनार कसाय ले लो या कोई भी गायनिक सिरप ले लेते हैं अपन, जैसे ओरा का आता है, फेमीब्लेज आता है, और कन्या लोहादी बटी देते हैं, उसका भी यही है, 2 BD में रहता है। और भी कई ट्रीटमेंट, लेकिन मेरा ट्रीटमेंट और 1-2 पाउडर रहते हैं, वो मेरे खुद के मैनुअली रहते हैं, और 3 मंथ में मेरा रिजल्ट इसका 100% है। 3 मंथ में क्यूरेबल है, पेशेंट खुश रहता है, और उसको सिम्टम से पता चल जाता है कि उसकी माहवारी समय पर आ रही है, उसका वेट भी लूज़ हो गया, उसका हेयर फॉल भी रुका, और उसको जो भी अदर और भी सिम्टम आ रहे हैं सारे डिक्रीज़ हो जाते हैं, सारे उसके ख़त्म हो जाते हैं, और वो खुश हो जाता है। और शादी के बाद जिनकी माहवारी होती है उनको इशू भी दिखने लगते हैं, 2-3 महीने बाद उनके बच्चे भी होने लगते हैं, ये वो खुश रहती हैं, ये उसका ट्रीटमेंट है। डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं कि इस ट्रीटमेंट के लिए कहाँ संपर्क किया जा सकता है? ये मैं खुद एक गायनिक हूँ, आयुर्वेद से ही हूँ, तो मैं इसको आयुर्वेद ही सजेस्ट करूँगी। तो मेरा हॉस्पिटल है यहाँ रवि नगर में है, मंगलम आयुर्वेद रिसर्च सेंटर के नाम से है, डॉक्टर उमा मंगल, तो आप यहाँ आ सकते हैं। और 3 महीने का है, बढ़िया ट्रीटमेंट, पेटेंट ट्रीटमेंट है, ना कोई ऐसी बहुत ज़्यादा औषधि रहती है, और 100% मेरा रिजल्ट है। मेरे इसके पेशेंट भी कई क्यूरेबल हुए हैं, जिसका मैं आपको डाटा भी दूंगी, फ़ोटो भी दूंगी, आपसे बात भी कराएंगे, ये सब इसका रहूँगा। किन क्षेत्रों से अभी तक, मतलब जो आपके यहाँ पेशेंट्स आए हुए हैं उनके बारे में आप बता सकते हैं कुछ? बिल्कुल, मेरे कहाँ बहुत दूर दूर से पेशेंट आते हैं, उत्तर प्रदेश से भी आते हैं, मध्य प्रदेश से तो आते ही आते हैं। अभी रिसेंटली मेरे को हैदराबाद से भी कॉल आया, कमिश्नर का एक पांडे वहाँ हैं कोई, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपको, आपका मुझे, मेरे PA ने मुझे बताया, तो आप बताइए इसका ट्रीटमेंट के लिए मैं क्या करूं। तो मैंने कहा आप आ नहीं सकते, बोलते हैं थोड़ा पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मैंने कहा आप मुझे व्हाट्सएप पे मुझे उनकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भेज दीजिए। उन्होंने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भेजी रिसेंटली बिटिया की, मैंने उनको ट्रीटमेंट फॉलो दिया, कोरियर से भी हम लोग भेज देते हैं, हमारे यहाँ कोरियर फैसिलिटी भी है, और जो लेना चाहे हम उनको फ़ोन पर भी बता देते हैं, और ट्रीटमेंट फॉलो हो जाता है, 3 महीने में वो क्यूरेबल हो जाते हैं और बढ़िया हो जाते हैं। फिर एक अपन अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, बिफोर अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट और आफ्टर अल्ट्रासाउंड रिजल्ट उनको आ जाता है, 0 हो जाता है गठान। अच्छा जी, अभी तक आप कितने लोगों को क्योर कर चुके हैं?
ये तो काफ़ी हो चुके हैं, मेरे केसेस काफ़ी हैं इस पे, मेरे जर्नल भी पब्लिश हुए हैं, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदा में भी आया है मेरा इसका, काफ़ी पेपर हुए हैं, पेशेंटों से मैं रूबरू करा दूंगी, काफ़ी पेशेंट हैं मेरे, प्रैक्टिस है काफ़ी, कम से कम 10 साल से मेरी प्रैक्टिस चल रही है, 100-200 पेशेंट मेरे इस चीज़ के से स्पेशली PCO से ही ठीक हुए हैं, गर्ल्स भी हैं और वुमेंस भी हैं। डॉक्टर साहब, लास्ट सवाल मेरा आपसे, आप हमारे इंडिया खबर लाइव के जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनको क्या अपना मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी इस बीमारी के लिए कि वो अपना खान पान चेंज करें, लाइफ स्टाइल चेंज करें थोड़ा सा, और तनाव मुक्त रहें, और इससे जिससे कि ये बीमारी उत्पन्न ही ना हो, बने ही ना गठान उनको, और बन भी जाती है तो इसके लिए वो मेरे से संपर्क है, रवि नगर में डॉक्टर उमा मंगल के नाम से मेरा हॉस्पिटल है, आयुर्वेद रिसर्च सेंटर, वहाँ मुझे आ सकते हैं, मैं इसका ट्रीटमेंट करूँगी, पूरा उनका इलाज करूँगी, 3 महीने में वो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, ये उसका चिकित्सालय है, ये उनके लिए मेरा एक आग्रह है, निवेदन है और इस चीज़ का मेरा संबोधन है। तो आपको अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आपकी सेवा में हैं, तो आप कहीं इधर उधर भटकने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप रवि नगर में आके डॉक्टर साहब से संपर्क करें और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं, सुखमय बनाएं।